तो आज के वीडियो में हम जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग की स्टार्ट करने जा रहे हैं तो हम सबसे पहले जो बेसिक चीज है जियोटेक इंजीनियरिंग की वह है सॉइल ठीक है सॉइल की डेफिनेशन क्या है हमें पता होनी चाहिए जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग में तो हम आज के वीडियो में हम सॉइल की डेफिनेशन देखेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट परस्पेक्टिव से और उसकी सॉइल की डेफिनेशन क्या है ठीक है तो देखिए अभी हम देखेंगे सॉइल की डेफिनेशन तो यहाँ पे क्या लिखा है यहाँ पे लिखा है द वर्ड सॉइल इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड सोलियम विच इज अकॉर्डिंग टू द वेबस्टर डिक्शनरी मीन्स द अपर द अपर लेयर ऑफ अर्थ दैट मे बी डग और प्लाउड स्पेसिफिकली द लूज मटेरियल ऑफ द अर्थ इन विच प्लांट्स ग्रोथ तो इतना बड़ा ये सेंटेंस है तो इस सेंटेंस में क्या बताया गया है लेट मी इसकी मेरे को इन चेंज करने दो तो इस इस सेंटेंस में ही बताया गया है कि ये जो सॉइल वर्ड है इसको लिया गया है लैटिन वर्ड सोलियम से किससे सोलियम से, से लिया गया है जो कि वेबस्टर डिक्शनरी के अनुसार है इसमें कहा गया है कि जो सॉइल जो ये वर्ड है जो सोलियम में जो वर्ड है इसे कहा गया है जो अपर लेयर रहती है अर्थ की ठीक है जो अर्थ की अपर लेयर रहती है जिसको हम खोद सकते हैं या फिर इसको पावड़े से निकाल सकते हैं ठीक है स्पेसिफिकली जो लूज सरफेस मटेरियल रहता है अर्थ पे का जहाँ पर क्या कर सकते हैं प्लान ग्रो कर सकते हैं इसे क्या कहा जाता है सॉइल किया जाता है ठीक है अभी बाद में देखते हैं इसके बाद में आगे क्या कहा गया है कि द अबाव डिफिनेशन ऑफ सॉइल इज यूज इन द फील्ड ऑफ एग्रोनॉमी ओके वे आर द मेन कर्सन इन द यूज ऑफ सॉइल फॉर द राइजिंग क्रॉप्स ठीक है अभी ये जो डेफिनेशन यहाँ पे बताई गई है ठीक है क्या अकॉर्डिंग टू द वेबस्टर डिक्शनरी कि अपर अपर लेयर ऑफ अर्थ दैट मे बी डग और पाउट स्पेसिफिकली लूज सरफेस मटेरियल ऑफ द अर्थ इन विच प्लांट ग्रोज ये क्या हुई ये जो एग्रीकल्चर फील्ड है उसकी डेफिनेशन हुई ठीक है जहाँ पे सॉइल में जो क्रॉप्स को राइस किया जाता है ये डेफिनेशन किसकी हुई एग्रीकल्चर की हुई लेकिन हमारे टेक्निकल में सिविल में कौन सी डिफिनेशन यूज होती है तो भी हम आगे देखेंगे ठीक तो तो है, है, है तो जियोलॉजी एक तो इन जियोलॉजी एक जियोलॉजी एक फील्ड है जैसे जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग है वैसे जियोलॉजी है तो इसमें कहा गया है कि द अर्थ क्रस्ट इज अज्यूम टू बी कंसिस्ट ऑफ अनक्रेटेड सेटिलमेंट्स कॉल्ड एज मेंटल और रिगोलिथ ओवरइंग रॉक्स ठीक है यहाँ पे कहा गया है कि इन जियोलॉजी द अर्थ क्रस्ट इज अज्यूम टू कंसिस्ट ऑफ अनकन्सोलेटेड सेडिमेंट्स कॉल मेंटल और रिगुल तो जो अर्थ का क्रस्ट है उसमें कहा गया है कि अनकन्सोलेटेड सेडिमेंट्स और जो मेंटल है वो यहाँ पर पाए जाते हैं ठीक है द टर्म सॉइल इज यूज फॉर द अपर लेयर ऑफ मेंटल विच सपोर्ट द प्लांट्स एक डिफिनेशन ये भी है कि जो टर्म सॉइल है ये यूज की जाती है एज अ अपर लेयर ऑफ मेंटल जो कि प्लांट्स की ग्रोथ को क्या करती है सपोर्ट करती है ठीक है द मटीरियल इन विच कॉल्ड सॉइल बाय एग्रोलॉमिस्ट और जियोलॉजिस्ट इज नोन एज टॉप ऑफ टॉप सॉइल इन जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग और सॉइल इंजीनियरिंग जो सॉइल जियोलॉजिस्ट की जो साइल जो जियोलॉजिस्ट ने कहा है या फिर एग्रोमोलॉजिस्ट ने कहा है वो सिर्फ क्या होती है जो टॉप की सॉइल होती है वो यूज़ में होती है ठीक है तो उसके बाद में द टॉप साइल ये जो टॉप की सॉइल होती है द टॉप सॉइल कंटेंट्स अ लार्ज क्वान्टिटी ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड नॉट सुटेबल फॉर द कंस्ट्रक्शन मटेरियल और एज अ फाउंडेशन फॉर द स्ट्रक्चर अभी ये जो टॉप की सॉइल होती है जो ऊपर ऊपर की सॉइल होती है इसमें ऑर्गेनिक मैटर्स भी रह सकते हैं मतलब डेड एनिमल्स या फिर जो डेड प्लांट्स रहते हैं वो भी रह सकते हैं तो ये जो सॉइल हुए एज अ कंस्ट्रक्शन मटीरियल नहीं यूज़ कर सकते और ना ही हम इस पर ऊपर कोई फाउंडेशन तैयार कर सकते हैं उसके बाद में द टॉप सॉइल इज़ रिमूव फ्रॉम अर्थ ओके फ्रॉम अर्थ सर्फेस बिफोर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ स्ट्रक्चर तो ये जो टॉप की सॉइल लेती है उसको रिमूव किया जाता है बिफोर कंस्ट्रक्शन और ताकि जो मेन सॉइल है अपने को मिल सके अभी उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे अभी उसके बाद में जो टर्म्स द टर्म्स सॉइल इन इंजीनियरिंग ओके अभी ये जो अभी तक हमने जियोलॉजी में कैसे इसको डिफाइन किया है एग्रीकल्चर में उसको कैसे डिफाइन किया है ये देखा है लेकिन सॉइल को एक्चुअल सॉइल इंजीनियरिंग में मतलब जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग में इसकी डिफिनेशन क्या है वो भी हम देखेंगे द टर्म सॉइल इन सॉइल इंजीनियरिंग इज डिफाइंड एज अनकॉन्सलेटेड मटेरियल क्या अनकन्सुलटेड मटेरियल कंपोज ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स प्रोड्यूस बाय डिस इंट्रेशन ऑफ रॉक ओके है सॉइल की डेफिनेशन इन सॉइल इंजीनियरिंग क्या कहा गया है कि सॉइल इंजीनियरिंग में सॉइल की डेफिनेशन ये है कि ये क्या है अनकॉन्सलेटेड मटेरियल है क्या अनकॉन्सलेटेड मटेरियल है जिसमें बहुत सारे सॉलिड पार्टिकल्स है जिसकी उत्पत्ति किससे हुई है जो डिसइंट्रीगेशन ऑफ रॉक्स होता है उससे हुई है अभी ये जो डिसइंट्रीगेशन ऑफ़ रॉक है ये किससे किससे होता है फिजिकल एजेंसी भी हो सकता है केमिकल एजेंसी भी हो सकता है तो ये एक ये क्या है इसकी डेफिनेशन है उसके बाद में द वॉइड स्पेस बिटवीन द पार्टिकल में कंटेन एयर वाटर और बोथ जो अभी ये जो सॉइल रहती है ठीक है फॉर एग्जाम्पल ये सॉइल है अब इस सॉइल के बीच में कुछ भी रह सकता है एक तो एयर रह सकती है या फिर वाटर रह सकता है या फिर दोनों ही रहते रो रह सकते तो ये चीज़ें रह सकती है सॉइल के वॉइड्स के बीच में उसके बाद में नेक्स्ट क्या है कि द सॉइल पार्टिकल में कंटेन द ऑर्गेनिक मैटर मैंने पहले कहा कि जो सॉइल की ऊपर वाली रेत लेयर रहती है उसमें ऑर्गेनिक मैटर भी रह सकती है तो सॉइल पार्टिकल कैन बी सेपरेटेड बाय सच मींस एग्रिएशन इन वाटर ठीक है तो इसी के क्लास इसी के अनुसार सॉइल को क्लासीफाई भी किया जाता है उसके बाद में नेक्स्ट सेंटेंस क्या है अ नेचुरल एग्रीगेट ऑफ मिनरल पार्टिकल्स बॉन्डेड बाय स्ट्रॉन्ग एंड परमानेंट एडिशिव फोर्ड इज कॉल्ड एट्स रॉक अभी आपने रॉक सुना होगा अभी रॉक की डिफिनेशन क्या है रॉक क्या है एक नेचुरल एग्रीगेट है नेचुरल एग्रीगेट ऑफ मिनरल है जो जिसके पार्टिकल्स बाउंडेड रहते हैं स्ट्रॉन्ग और परमानेंट को फोर्सेस से ओके सो तो इसमें क्या है इट इट इज एन इंडोरेटेड मटेरियल डैट रिक्वायर्स ड्रिलिंग वेजिंग ब्लास्टिंग फॉर इट्स रिमूल्व फ्रॉम द अ सरफेस रॉक क्या एक काफ़ी हार्ड मटेरियल है तो अगर हम इसको निकालना है अर्थ में से तो हमें क्या करनी पड़ेगी ड्रिलिंग करनी पड़ेगी वेजिंग करनी पड़ेगी या फिर कभी कभी गन कॉर्डन की मदद से ब्लास्टिंग भी करनी पड़ती है उसके बाद में क्या कहा क्या कहा गया है कि सिंस द टर्म्स वी कैन स्ट्रॉन्ग हैव अ डिफरेंट इंटरप्रिटेशन द टर्म्स वी कैन स्ट्रॉन्ग हैव अ डिफरेंट इंटरप्रिटेशन मतलब जो वीक सॉइल है और जो मज़बूत सॉइल है अलग-अलग है और इसकी बाउंड्री भी अलग अलग है तो द बाउंड्री बिटवीन सॉइल रॉक इजर आरिबिट्री और लास्ट सेंटेंस में कहा गया है इन द केस ऑफ पार्शली डिस इंटीग्रेटेड इट इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू लोकेट द बाउंड्री बिटवीन द सॉइल और रॉक जो पार्शली डिस इंटीग्रेटेड रहते हैं मतलब ना ही सॉइल रहते पूरी की तरह ना ही रॉक रहते हैं तो इसमें की जो बाउंड्री है सॉइल है या फिर रॉक है और वो आइडेंटिफाई करना काफ़ी मुश्किल होता है तो ये कुछ है सॉइल की डेफिनेशन इतनी बड़ी तो हमने सॉइल को कितने पार्ट्स में देखा है फोर पार्ट्स में दिखा है सबसे पहले तो ये जो सॉइल वर्ड है वो सोलियम से आया है जो कि क्या है एक लैटिन वर्ड है जो कि वेबस्टर डिक्शनरी से आया है उसके बाद में हमने जियोलॉजी में क्या देख क्या है सॉइल की डेफिनेशन एग्रोलॉजी में क्या है और सॉइल इंजीनियरिंग में क्या है ये तीनों डिफिनेशन हमने इसमें देखी तो होपफुली आपको वीडियो समझ में आया सो दैट्स इट फॉर टुडे आगे भी और जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग की वीडियो आएंगे सो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अ नाइस डे बाय बाय